इन सुभाष इंग्लिश स्कूल डिजिटल क्लास क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल यानी कोशिका की बनावट और उसके क्या कार्य, कोशिका कैसी बनी होती है, इस बारे में पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। आप देखते हैं कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं वो या तो लिविंग होती है या नॉन लिविंग। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनके कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड इन दिस चैप्टर। यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज द सेल। सेल्स मे बी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक ए बिल्डिंग। सिमिलरली सेल आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। आप देखते हैं कि जो सेल जो है वो हमारे जो शरीर के अंग है, सॉरी हमारे शरीर के जो अंग है वो सभी सेल से बने होते हैं। सेल की तुलना हम एक ईंट के समान, ईंट से भी ब्रिक्स से कर सकते हैं। जैसे कि ब्रिक्स के ऊपर पूरी बिल्डिंग की बनावट निर्भर करती है या ब्रिक्स के ऊपर बनती है, इसी प्रकार से हमारे सेल से जो है हमारे शरीर के सारे अंगों का निर्माण होता है। डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल की खोज। रॉबर्ट हुक्स इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ए ट्री। ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व दैट अंडर ए माइक्रोस्कोप ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। एक जो कॉर्क की स्लाइस को काटकर उसको मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे रखकर फिर उसकी खोज की। और ये जो है कॉर्क जो है एक ट्री की बार्क का एक पार्ट होता है, और उसकी एक पतली स्लाइस काट के यानी चिप्स के समान जो स्लाइस होती है उस प्रकार की स्लाइस को काट के उसने माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसका ऑब्जर्व किया। तो उसने देखा कि उसके अंदर जो है बहुत सारे पार्टीशन, मतलब जैसे कि अलग अलग पार्टीशन के टाइप के बॉक्स उस कॉर्क की स्लाइस के अंदर दिखाई देते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये कॉर्क के सेल की अंदर कॉर्क का जो स्लाइस है उसकी जो बनावट है इस तरह से फिर अंदर से हमको पार्टीशन यानी अलग अलग भागों में बटी हुई दिखाई देती है। दिस बॉक्स हैज अपीयर्ड लाइक ए हनीकॉम्ब। ही आल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स हैज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय ए वॉल और पार्टीशन। ये जो है हमको जो पार्टीशन दिखाई देते हैं वो हनीकॉम्ब की तरह दिखाई देते हैं, और इसका जो है प्रत्येक बॉक्स दूसरे बॉक्स से बिल्कुल अलग एक वॉल से पार्टीशन करा हुआ रहता है। हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। व्हाट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस आर सेल्स इन द कॉर्क वेयर एक्चुअली डेड सेल्स। और ये जो कॉर्क सेल है, कॉर्क के अंदर जो सेल जो दिखाई देते हैं वो डेड सेल्स के समान हमें दिखाई देते हैं। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। और इसकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है खोज, सेल्स की जो खोज हुई है वो जब पूरी तरह से जब माइक्रोस्कोप इम्प्रूव हो गया उसके बाद उसकी खोज हुई। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। और जैसा कि बहुत छोटा जो सेल होता है उसके लिए जो है कम से कम 150 साल बाद फिर रॉबर्ट हुक के ऑब्जर्वेशन के द्वारा उसकी हुई खोज। टुडे वी नो ए लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्नीफाइंग। और जो आजकल जो सेल की स्ट्रक्चर या फंक्शन रहते हैं उनकी खोज बहुत ही बाद में हुई, क्योंकि एक हाई मैग्नीफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप के जब आविष्कार हो गया तो उसके बाद उसकी खोज अच्छे से हो सकी। द सेल बोथ ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनमें जो बेसिक स्ट्रक्चर जो रहता है उनकी इकाई वो एक ब्रिक्स, जैसे कि बिल्डिंग की मुख्य इकाई ईंट रहती है उसी प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है वो सेल्स होती है। द बिल्डिंग थॉट बिल्ट ए सिमिलर ब्रॉक्स। जैसे बिल्डिंग को बनाने के लिए एक जैसी ईंटों की आवश्यकता होती है। हैव डिफरेंट डिजाइन शेप एंड साइजेस।
सिमिलरली एन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप सेल्स, लेकिन जो ये सेल्स होती है ये अलग अलग शेप साइज और आकार की बनी हुई रहती है। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग बींग्स। सेल्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर है, और अनलाइक नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो है ब्रिक्स के समान उसकी बनावट होती है। ब्रिक वन, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ईंट की जो ये है दीवार बनी हुई है, नॉन लिविंग थिंग्स की बेसिक स्ट्रक्चर है, और इधर जो है ये ऑनियन पिल, ये लिविंग थिंग्स के लिए है। ये भी इस प्रकार से इसकी जो स्ट्रक्चर रचना बनी हुई थी ये इसके सेल्स कहलाते हैं, जो ये अलग 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 है, ये इसके सेल्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। द एग ऑफ ए हैंड रिप्रेजेंट ए सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। एक जो है वो एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है और वो हम अनएडेड आई से भी देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर शेप एंड साइज। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है सेल के नंबर शेप और साइज की वेराइटी के बारे में पढ़ेंगे। हाउ टू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल, दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट। स्टेन आर यूज ऑफ कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। साइंटिस्ट ने जब लिविंग सेल्स की खोज की तो वह एक माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट के द्वारा की, उसका यूज़ करके, और उसकी जो है वो रहती है सेल्स, जो भी उसकी सेल्स रहती है उसको थोड़ा सा वो स्टेन या कलर करके, और फिर कलर करने के बाद जो है उसके स्ट्रक्चर जो है हमको स्पष्ट दिखाई देते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलियंस सेल्स होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। देयर ऑर्गन्स आल्सो वेरी इन शेप साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। लेट अस अबाउट सम ऑफ देम। तो जो हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्स होते हैं वो कई अलग अलग साइज के और अलग अलग शेप के होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स की संख्या। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन ए टाल ट्री और इन ए हग एनिमल लाइक द एलिफेंट। आप क्या इस प्रकार का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़े पौधे पेड़ में और एक बड़ा जानवर जो कि जैसे कि एलिफेंट है, उनमें सेल्स की जो है संख्या बराबर होती है। द नंबर रन्स इन टू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेस। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ फंक्शन। तो जिस प्रकार से इनकी संख्या बिलियंस और ट्रिलियंस भी हो सकती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और ये अलग अलग शेप और साइज के होते हैं, और जो है अलग अलग ग्रुप के जो सेल होते हैं उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। ए बिलियन इज ए थाउजेंड मिलियन। बिलियन जो है थाउजेंड मिलियन से मिलकर बना होता है, और एक ट्रिलियन इज ए थाउजेंड बिलियन, और एक ट्रिलियन जो है थाउजेंड बिलियन से मिलकर एक ट्रिलियन बनता है। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर, मैनी सेल्यूलर सेल। ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ सेल्स बींग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो है एक से अधिक सेल से मिलकर यदि बनता है तो वो मल्टी सेल्यूलर कहलाता है, और उनके जो नंबर ऑफ सेल्स यदि किसी ऑर्गन के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स की संख्या अधिक होगी और किसी में कम, लेकिन उनके जो फंक्शन है उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल बीइंग लाइफ एस एन सिंगल सेल विच इज द फर्टिलाइज एग। लेकिन आपको ये आश्चर्य होगा कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर यदि बिलियंस ऑफ सेल्स भी होते हैं और किसी के अंदर सिंगल सेल भी उसी प्रकार का काम करते हैं। द फर्टिलाइज एग सेल मल्टीप्लाइड एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस डेवलपमेंट प्रोसेस। और जब उनका सिंगल सेल से जो एक होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, मल्टीप्लाइड होता जाता है, और उसके सेल्स की संख्या जो है बढ़ती जाती है जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है। लुक एट द फिगर 8.3 and b। बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर। ये जो आप नीचे डायग्राम देखेंगे जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, इन दोनों की बनावट जो है इनके अंदर जो है ओनली सिंगल सेल से होता है, सिंगल सेल ही होता है, और इनको हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑर्गेनिज्म ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म भी मल्टीसेल्यूलर वाले ऑर्गेनिज्म के
समान ही उसके फंक्शन उसमें भी आवश्यक होते हैं। ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर द डाइजेस्ट फूड रेस्पायर एक्सर्ट ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूस। सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमीबा, वो भी अपना भोजन ग्रहण करता है और श्वसन भी लेता है, उत्सर्जन की क्रिया भी होती है और वो ग्रोथ भी करता है और रिप्रोड्यूस भी होता है। सिमिलर फंक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर कैरीड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेलाइफ सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू इन टर्न फ्रॉम ऑर्गेन। इनके जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के भी है जो उनके समान ही कार्य होते हैं और उनमें कुछ ग्रुप जो है स्पेशल होते हैं, जैसे कि सेल्स से जो है वो धीरे धीरे टिश्यू में परिवर्तित हो जाते हैं, सेल्स से मिलकर टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन से बनते हैं। रेफर टू फिगर 8.3। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर? यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। इनफैक्ट अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा कि अमीबा जो है उसका शेप जो होता है इरेगुलर, मतलब अनियमित होता है और उसका कोई भी आकार मतलब निश्चित नहीं होता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप और ये अपने शेप को चेंज कर सकता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंस प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। और वह उसके मतलब आसपास के माहौल के हिसाब से अपने शरीर को बड़ा या छोटा कर लेता है। दिस आर कॉल्ड स्यूडोपिया। एस यू लर्न इन क्लास 7th दिस प्रोजेक्शन अपेयर एंड डिसअपेयर एस अमीबा मूव्स और फिट। तो इसके जो है प्रोजेक्शन जो है कभी दिखाई देते हैं डिसअपेयर और कभी नहीं भी दिखाई देते हैं। ए वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन ब्लड इन अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए सिंगल सेल। मनुष्य की जो है उसमें WBC नाम की एक सिंगल सेल होती है विच कैन चेंज इट्स शेप और यह इसका शेप चेंज कर सकती है। बट वाइल WBC इज ए सेल अमीबा इज ए फुल प्लेटेड ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। जो WBC होती है जैसे कि अमीबा के अंदर फुल प्लेटेड मतलब उसका अस्तित्व धीरे धीरे वह अपने किसी के ऊपर निर्भर रहता है उसका अस्तित्व और वह उसको समाप्त भी कर सकती है। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट्स शेप? आप क्या गेस कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट सेल्स को मतलब सेल का कौन सा पार्ट उसको शेप देता है? कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो इस सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं मेम्ब्रेन के वो बिल्कुल उसके इनक्लोज होते हैं सेल के। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप और ये क्या करती है कि ये मेम्ब्रेन जो है प्लांट्स और एनिमल को शेप प्रदान करती है। सेल वॉज इन ए एडिशनल कवरिंग कवर ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर जो है ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो उसको पूरी तरह से वॉल की तरह उसको कवर करे हुए रहती है। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दिस सेल्स। बैक्टीरियल सेल्स आल्सो हैज अ सेल वॉल और ये जो है थोड़ी कठोर होती है और ये बैक्टीरियल सेल जो है उसके आसपास सेल वॉल की तरह ये कार्य करती है। साइज ऑफ सेल की साइज क्या होती है? द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ ए मीटर और मे बी एज लार्ज एज ए फ्यू सेंटीमीटर। सेल की जो साइज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कभी बहुत छोटी या बहुत बड़ी भी हो सकती है। However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. और अधिकतर इन सेल्स की साइज जो है हमको माइक्रोस्कोप से ही स्पष्ट दिखाई देती है जबकि खुली आंखों से हम उसको नहीं देख सकते। They need to be enlarged or magnified by a microscope और इसके लिए हमको मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। The smallest cell is 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो सबसे छोटी सेल होती है उसकी साइज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर होती है और द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm x 130 mm इज द एग ऑफ एन ओस्ट्रिच। और सबसे बड़ी जो सेल होती है वो 170 mm x 130 mm तक होती है, वो ओस्ट्रिच के एग ओस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। द साइज ऑफ द सेल्स हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल आर प्लांट। जो सेल की साइज होती है वो एनिमल या प्लांट की उसकी बॉडी की सेल से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट।
कोई ये आवश्यक नहीं है कि एक एलिफेंट के अंदर बड़ी ही सेल्स हो और रेट के अंदर छोटी। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, जो सेल की साइज होती है वो उसके फंक्शन के ऊपर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल बोथ इन द एलिफेंट एंड रेट आर लॉन्ग एंड ब्रांचेड, जैसे कि नर्व सेल जो होती है वो एलिफेंट और रेट दोनों के अंदर लंबी और शाखित या ब्रांचेड रहती है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन सेट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज, और जो है कि दोनों के कार्य जो है एक जैसे होते हैं और वह मैसेज ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल की रचना और उसके क्या कार्य। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मेनी ऑर्गेन। यू हैव स्टडाइड इन क्लास 7 अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आपने देखा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और उनकी जो है जैसे कि डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं, पाचन तंत्र, विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, और इनके जो है कॉन्स्टिट्यूट होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ होते हैं, और प्रत्येक ऑर्गन का जो है परफॉर्म अलग अलग उसका कार्य होता है, जैसे डाइजेशन करना या एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन, ये सारे कार्य अलग अलग तरह के उनके कार्य होते हैं। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन, इसी प्रकार से पौधे में भी प्रत्येक का अलग अलग अपने कार्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट सेल्फ इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जैसे कि जड़ का जो है कार्य है वाटर का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना। लीव्स एज यू लीव हैव लर्नड इन क्लास 7 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, इसी प्रकार से लीव्स जो है भोजन को संश्लेषित करती है। इच ऑर्गन्स इन फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल टिश्यू, और जो है प्रत्येक ऑर्गन जो है छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनाए होते हैं, जिसको कि हम टिश्यू कहते हैं। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, इसी प्रकार से टिश्यू का जो ग्रुप होता है और जो वो सेल के समान ही होता है और उसके भी कुछ स्पेशल कार्य के समान ही वह परफॉर्म करता है। पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल के मुख्य पार्ट कौन कौन से। सेल मेम्ब्रेन, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन, जो बेसिक कंपोनेंट होता है सेल का वो सेल मेम्ब्रेन होता है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये इसके मुख्य पार्ट है। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इंक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से इंक्लोज रहते हैं। आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड आल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, और जो ये मेम्ब्रेन होती है वो उसकी सेल से जो है उसके चारों तरफ से उसके माध्यम से वो अलग होती है, मतलब सेपरेट होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड एलोस, द प्लाज्मा के अंदर जो है पोरस होते हैं। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड द आउटवर्ड, उसके जो है सेल मेम्ब्रेन के जो उसमें जो अंदर पोरस होते हैं वो मटेरियल के आंतरिक और बाह्य सतह के जो है अंदर आने जाने का वो मूवमेंट में सहायक होते हैं। द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल्स इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल, जो सेल ओनियन सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बाहर से एक मोटी सेल से कवर रहती है, जिसको कि हम सेल वॉल कहते हैं। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर्स इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, और इसके अंदर जो है गोलाकार रचनाएं होती है बीच में, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये एक ओनियन पील की रचना है, इसके अंदर ये सेल्स है और ये जो बीच में गोले गोले हैं ये न्यूक्लियस है, और ये जेली लाइक कुछ इसमें सब्सटेंस होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जबकि इसके बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल, आपने पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है शेप सेल को शेप देती है। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन सेल्स ऑफ प्लांट कॉल्ड सेल वॉल, और सेल मेम्ब्रेन के आसपास जो है एक मोटी परत होती है प्लांट्स की, उसके अंदर उसको हम सेल वॉल कहते हैं। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स
फॉर प्रोजेक्शन, और ये लेयर जो है उसके अलग से जो है उसके चारों ओर जो होती है वह प्लांट्स को प्रोजेक्शन करती है। प्लांट सेल्स नीड प्रोजेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, जैसे कि प्लांट्स को जो है यदि आवश्यकता होती है टेम्परेचर के अगेंस्ट तो उसमें भी उसका प्रोजेक्शन करती है। हाई विंड स्पीड और ज़्यादा तेज हवा में, तेज गति से जब हवा चलती है उसमें, और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और जो वायुमंडल का जो मॉइस्चर होता है, आर्द्रता होती है, उसमें भी वह उसकी सहायता प्रोजेक्शन करता है। दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव, और ये जो है इस वेरिएशन से जो है उसको एक्सपोज नहीं होने देती है। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ ट्रेडिसेंटिया इलोडिया और रोहो, यू कैन प्रिपेयर ए स्लाइड एस इन द केस ऑफ ओनियन, और आप जो है इसके जो है सेल्स के ऑब्जेक्ट इसके लीफ के पील जो होती है उसका आप स्लाइड से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस चैप्टर को आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट टू हम अगले वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे।